गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड के विद्यार्थियों का टॉपिक चल रहा है फिलासफिकल परसपेक्टिव इन एजुकेशन। वो आप कर रहे थे नेचरलिज्म कर रहे थे प्रकृतिवाद। कल आप करैक्टरिस्टिक्स से मीनिंग देखा से, अच्छा आप उद्देश्य देखा। अज की वीडियो के लिए टॉपिक आप खत्म कर देंगे प्रकृतिवाद वाला। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने तो पहला ये वीडियो वधिया लगती है लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। हाँ, अज आप उद्देश्य करने हैं नेचुरलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। मैं कहते सिक्ख्या के उद्देशों बारे प्रकृतिवाद एक मत नहीं है, मतलब जेडे प्रकृतिवाद के सिक्ख्या लैके उद्देश है उन्होंने जोड़े मत है वह भिन्न भिन्न है। अलग अलग विचार के आपके जोड़े विचार है वो प्रगट किए हैं। सब तो पहला है स्वै प्रगटावा, सैल्फ एक्सप्रैशन। आदर्शवाद स्वै अनुभव उत्ते जोर दिता, जदों की प्रकृतिवाद स्वै प्रगटावे उत्ते स्वै संभाल सिक्ख्या का मुख्य उद्देश दर्शाता है। मतलब खुद का आप प्रगटवा, मतलब आप खुद को किवें दूजे सामने रीप्रजेंट करते हैं, तो अपने आप को सुरक्षित किवें रखना है, ये जिहड़ा है प्रकृतिवाद इस गल उत्ते जोर दिंदे हैं। मनुखी मशीन की संपूर्णता, परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन। यंत्रवादी प्रकृतिवादी अनुसार संपूर्ण विश्व एक यंत्र का न्याय है, मतलब एक पूरा जिहड़ा अपना पूरा संसार है ना, इन्होंने उस संसार को की मान लिया, एक मशीन मान लिया, तो आप उस यंत्र का की हाँ, एक भाग है, एक पूरन इकाई है। तो किसी भी बच्चे नूं विकसित करने लिए, किसी भी बच्चे के व्यवहार को सही करने लिए सब तो पहला जरूरी है कि उनका यंत्र जो है वो सही काम करना चाहता है, ता ही वो सिक्ख्या वधिया तरीके ग्रहण कर पाएगा। वर्तमान अते भाई प्रसन्नता की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर हैप्पीनैस। तो हुण कहिंदे जैविक प्रकृतिवाद अनुसार मानव का उद्देश वर्तमान अते भावी प्रसन्नता नूं सुख प्राप्त करना। हुण देखो आप जीवन जी रहे हैं, आप जो जीवन जी रहे हैं अपना बेसिक फंडा की होंगे, फ्यूचर के आप प्रॉब्लम ना आए, वर्तमान जो आप जीवन जी रहे अपन ये प्रॉब्लम ना आए, तो बेसिकली आप इन चीज़ों मान के चलते हैं फ्यूचर तो वर्तमान में। तो अपना उद्देश की है भी अपना जोड़ा फ्यूचर है तो वर्तमान है सुख तो प्रसन्नता भरया हो, सुख की प्राप्ति हो। इस तरह सिक्ख्या का जोड़ा उद्देश है वो भी यही मन के चलिया जाता है कि बच्चे इस तरह की सिक्ख्या ग्रहण करन भी अपने जीवन का निर्वाह सही तरीके कर सकन, फ्यूचर के प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स ना फेस करनिया पैन। मानवीय प्रवृत्तियां का पुनर सेध, रीडायरेक्शन ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स। तो उन्हें भी की है मै कहते मैकडूलर अनुसार मनुखी व्यवहार का मुख्य संचालक मानक प्रवृत्ति है, इसलिए सिक्ख्या चाहिए कि मानव प्रवृत्तियां पुनर सेध प्रदान करके उदात्तीकरण सबलीमेन करके विखाविता की है। कहते मानव जिहड़ियां अपनियां प्रवृत्तियां उन्होंने एक सेध देनी, एक एम मन के चलना भी आप जिंदगी दे विच जो काम कर रहे हो किस परपज़ लिए कर रहे हैं वो एम देना जरूरी होंगे। जीवन या फिर होन संघर्ष लिए तैयार करना, प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। देखो आप जीवन जी रहे हैं तो जीवन के किसी भी तरह का संघर्ष अपन सामना करना पै सकता, तो बच्चे ना उस संघर्ष लिए तैयार करना, वो अंदर विश्वास पैदा करना, किस तरह अपने जीवन में विकास तक लैके जाना, ये चीज़ा बच्चे के पैदा करनिया बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए। नस्ली अनुभवों अगे वधाउणा, ट्रांसमिशन ऑफ रेस ऑफ एक्सप्रैशन। हुण कुछ प्रकृतिवादियों का मत है कि जाति की संस्कृति सभ्यता वंश परंपरा अनुसार द्वारा ही अगे नहीं ले जा सकता, सगों प्रकृतिवाद के उद्देशों से चल के भी आप वंश की परंपरा को बदल के अगे ले जा सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी नस्ली प्राप्तियां की सुरक्षा भी आप इस मोटो के नाल कर सकते हैं। वातावरण नाल अनुकूलन, अडैप्टेशन टू इनवायरमेंट। हुण कहिंदे अपने जो प्रकृतिवाद है इस गल नूं मानदे आ भी किसी भी जीवन की सफलता लई जरूरी है भी आप वातावरण के अनुकूल रहिए, अपने शरीरक ढांचा या अपन आदतों जे अपने वातावरण के अनुकूल रहनगे तो आपां नूं सर्वाइव करना जिहड़ा हैगा बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। बच्चे के सुभाव अनुसार सिक्ख्या, एडुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चिल्ड्रन। जिस तरह बच्चे का सुभाव है, जिस तरह बच्चा अपना जीवन जींदा है, तो अपने अनुभव उस तरह ही होने चाहिए। बच्चों चंगे सुभाव चंगी चीज़ों बारे जानकारी होनी चाहिए है, ता कि बच्चा जिहड़ा हैगा इस संसार दे विच सही तरीके नाल अपने जीवन, जिवें टैगोर ने भी इस गल उत्ते जोर दिता है कि बच्चे के सुभाव नूं मुख रख के ही उसनों सिक्ख्या दी जानी चाहिए है। जे बच्चे के सुभाव नूं मुख रख के सिक्ख्या नहीं दिंदे तो उसका कोई भी लाभ बच्चे नूं प्राप्त नहीं होगा। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। हुण कहिंदे प्रकृतिवादी सिक्ख्या दा इह मनोरथ है कि जो बच्चे का व्यक्तित्व है वह जिहड़ा विकास है वह स्वतंत्र, मतलब बच्चा जिहड़ा हैगा चीज़ों को चंगी तरह समझे तो अपने विकास के हिस्सा पवे। रूसो तो टी पी नंद ने इस गल का भी समर्थन किया कि सिक्ख्या का उद्देश व्यक्तित्व की स्वतंत्रता से विकास करना। प्रकृतिक विकास नैचुरल डिवेलपमेंट होनी जरूरी है, उसके अनुसार बच्चे सेहतमंद शक्ति वाली बनानी जरूरी है कि उन्होंने
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਕੜੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੋਲੀਏ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਫਿਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇਚਰਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਰੀਕੁਲਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਰਿਜਿਡ ਕਰੀਕੁਲਮ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਔਨ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਵੈ ਬਚਾਓ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਸੁਹਾਜਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਵੈ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਲਪਨ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੋ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ, ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਚੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੀਚੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।